पीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जय भीम के नारों से गूंज उठा नागपुर का संविधान चौक। दो साल बाद देखने को मिला डॉक्टर बाबा साहब जयंती का उत्साह। दीक्षा भूमि पर रहा पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त। बंदोबस्त में करीब 6000 पुलिस के जवान तैनात। और खिड़की से घुसकर चोरी करने वाले आरोपियों को किया कलमना पुलिस ने गिरफ्तार। आरोपियों से 3,37,000 रुपए का मुद्देमाल किया जब्त। खबरें विस्तार से। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को नगर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जयंती की पूर्व संध्या पर बुधवार की शाम से देर रात तक विविध क्षेत्रों से आकर्षक शोभा यात्रा रैलियां निकाली गई। अनेक क्षेत्रों से रैली और शोभा यात्रा संविधान चौक पहुंची। वहां रात 12 बजे आतिशबाजी के साथ ही संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। कोरोना काल में 2 वर्षों तक प्रतिबंध होने से रैली की अनुमति नहीं मिली थी, परंतु अब सभी प्रतिबंध उठ जाने तथा अनुमति मिलने से अंबेडकर जयंती को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। इसका नजारा बुधवार की मध्य रात संविधान चौक में भी देखने मिला। संविधान चौक में शहर के चारों क्षेत्रों से रैलियां पहुंची। हजारों अनुयायी दीक्षा भूमि साथ ही संविधान चौक पर जमा हुए थे। ढोल ताशे की आतिशबाजी कर जयंती की खुशियां मनाई गई। इससे मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बंद कर दिया गया था। रैली में इंदौरा विहार, अखिल भारतीय धम्म सेना, उपासक उपासिका, इंदौरा विहार कमेटी के सदस्य, बौद्ध बंधु आदि का सहकार्य रहा। इस संदर्भ में आयोजन समिति के सदस्यों ने अधिक जानकारी साझा की। मी नेहा राकेश निकोसे, नगर सेविका प्रभाग क्रमांक 2। आज माझ्या कडून सगळे भीम बांधवांना सप्रेम जय भीम आणि 14 एप्रिलच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आम्ही इथून बाबासाहेबांची 131वी जयंती आहे, त्यामुळे 131वा किलोचा केक आम्ही संविधान चौकात नेतो आणि तिथे केक कापून सगळ्यांना वितरण करतो। ही रॅली समतानगर पासून तर संविधान चौकापर्यंत आहे। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा 131वा जो जन्मदिवस आहे ते आम्ही सुमारे इथे 20 वर्षापासून इथे मनवत आहोत आणि इथे जे भरपूर लोकांचं जो क्राऊड दिसत आहे हे लोकांचं प्रेम आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रति ते एक जागरूकता आहे आणि त्याच्यामध्ये जे संविधान आणि जे बाबासाहेबांनी जे लिहिलेलं आहे त्याच्यावरती जागरूकता आहे। आम्ही आज इथे पाहिलं की मुस्लिम दलित आणि OBC सर्व समाजाचे लोक आमच्याकडे एकत्रित झाले आणि त्याचप्रकारे या ठिकाणी बरेच लोक जे जमलेले आहेत त्यांना ते निस्वार्थ जमलेले आहेत, त्याच्यामध्ये कोणाचं काही हे नाही आहे। आणि आम्ही इथे जे कार्यक्रम जो आयोजित करतो तो याच्यासाठी करतो की लोकांना जो उत्साह आहे हा कायम जागृत राहावा आणि लोकांमध्ये आणि समाजामध्ये एक प्रबोधन जागृत राहावं। या निमित्त आम्ही विराज उर्फ वाळू बागडे, संगमालजी मेश्राम आणि आमचे जे मोटगरे साहेब आहेत ते मोटगरे साहेब आम्ही इथे नेहमी आयोजन करत राहतो आणि त्या आयोजनाचं पाठीमागे काय उद्देश आमचा राजकीय काय हेतू नसतो। बाकी लोक जे इथे जे कार्यक्रम आयोजित करतात त्यांचा फक्त राजकीय हेतू असतो, त्यांना फक्त राजकीय हेतूसाठी आणि आपल्या पुरस्कृत करण्यासाठी ते करण्यात येते। आमचा काही राजकीय हेतू असतो नाही, आम्ही फक्त सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून बाबासाहेबांचे आम्ही अनुयायी आहे, आम्ही त्याचे मार्गदर्शक आहोत, आम्ही त्यांच्या मार्गावर चालणारे लोक आहोत म्हणून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येते। माझं नाव ॲडव्होकेट लुबेश मेश्राम आहे। मी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आणि हायकोर्टमध्ये दोन्ही ठिकाणी प्रॅक्टिस करतो। मॅट कॅट आणि लेबर कोर्ट कन्झ्युमर कोर्टमध्ये मी प्रॅक्टिस करतो। त्याचप्रकारे जे समाजाचे जे दलित दुर्बल आणि जे ज्या लोकांना न्याय नाही मिळत त्या लोकांना जे लोक मला संपर्क साधतात तर बाळू बागडे, संगमालजी मेश्राम आणि मोडगरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनातून आम्ही ते समाजकार्य करत असतो आणि त्याचप्रकारे इथे जे काही कार्य होते त्या अनुयायांनी आणि त्या आम्ही सर्व समर्थित असतो। त्याचप्रकारे आम्ही इथे जे आयोजन केलेलं आहे हे आयोजन म्हणजे आमच्या निस्वार्थ से याच्यासाठी आहे, त्याच्यामध्ये कोणतीही असं द्वेषभावना नाही आहे, कोणत्याही प्रकारे आमचा राजकीय भावना नाही आहे किंवा आम्हाला कुठे इलेक्शन लढायचं नाही काही नाही आहे। सर्वप्रथम परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131व्या जयंतीनिमित्त सर्व भारतवासियांना
आमचे जे आयोजन समिती आहे त्यांच्यातर्फे कोटी कोटी शुभेच्छा। आम्ही मागील 20 वर्षापासून इथे या कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले करत आहोत। ज्याप्रमाणे ॲडवोकेट लोभेश भाऊ मेश्राम यांनी सांगितलं की आमच्या या आयोजनामागचा जो उद्देश्य असतो तो समाज एकत्रित आणण्याचा उद्देश्य असतो, त्यामागे आमच्या कुठल्याही प्रकारच्या राजकीय हेतू नसतो व हे सगळं संपूर्ण नागपुरातील जनतेला हे माहीत आहे, म्हणून नागपुरातील जनतासुद्धा आम्हाला फारशी म्हणजे नेहमी मदत करत असते, सहकार्य करते। मी विजय बागडे। बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करने का ये सिलसिला 14 अप्रैल की सुबह भी ऐसा ही कायम रहा। सुबह से ही काफी संख्या में लोग संविधान चौक पहुंचे और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज, नागपुर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर शहर में दीक्षा भूमि में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। इस बंदोबस्त में करीब 6000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। राज्य आरक्षी पुलिस दल व होमगार्ड के जवानों को भी इस बंदोबस्त में तैनात किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती को देखते हुए बुधवार को शाम से ही दीक्षा भूमि ड्रैगन पैलेस के साथ कामठी के जयस्तंभ चौक, इंदौरा के भीम चौक, बेजनबाग, त्रिशरण चौक, सेंट्रल एवेन्यू स्थित डॉक्टर अंबेडकर चौक आदि स्थानों पर पुलिस का बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर लगभग 400 रैलियों को अनुमति दी गई है। दीक्षा भूमि में 40 पुलिस अधिकारियों के साथ 500 पुलिस जवान QRT की टीम को तैनात किया गया है। इस इलाके में पुलिस का वॉच टावर भी लगाया गया है। दीक्षा भूमि परिसर में जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख ने अधिक जानकारी साझा की। दीक्षा भूमि येथे माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिनानिमित्त मोठ्या प्रमाणात तयारी दीक्षाभूमी स्मारक समिती यांच्याद्वारे करण्यात आलेली आहे आणि त्यासोबतच पोलीस प्रशासनाद्वारे सुद्धा भरपूर प्रमाणात योग्य बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। हा बंदोबस्त उद्या सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्रीपर्यंत राहणार आहे आणि दीक्षाभूमीला जे पण कोणी नागरिक मोठ्या उत्साहाने दर्शनाकरता येतात त्यांना तिथे दर्शनाच्या दरम्यान कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये किंवा कुठलाही गैरप्रकार तिथे होऊ नये ह्याची चोख व्यवस्था पोलीस प्रशासनाद्वारे ठेवण्यात येणार आहे। आम्हाला आज आपणाच्या मीडिया चॅनलच्याद्वारे असं एक आवाहन लोकांना करायचं आहे की जे पण कोणी दर्शनाला दीक्षाभूमी येथे येतील त्यांनी कृपया जी काही अगदी आवश्यक नियमावली आहे त्याचं पालन करावे। वाहनांचे पार्किंग ज्या ठिकाणी ग्राउंडवर सांगण्यात आलेले आहे त्या ठिकाणी करावे। काचीपुरा चौकातल्या कृषिकुंजचं जे ग्राउंड आहे तिथे एक व्यवस्था राहणार आहे। 8 रस्ता चौकालगत जे एक ग्राउंड आहे तिथे वाहन पार्किंगची व्यवस्था राहणार आहे। त्याशिवाय जे लोक रहाटे कॉलनी चौकाकडनं येतात तर शासकीय ITI आणि त्या ठिकाणचं जे ग्राउंड आहे त्या ठिकाणी पण वाहन पार्किंगची व्यवस्था राहणार आहे। त्याशिवाय दीक्षाभूमीला जे लोक लक्ष्मी नगर चौकाकडनं येतील तर त्या भागाचं जे पार्किंग करता एक ग्राउंडवर जागा दीक्षाभूमी स्मारक समितीने सुद्धा अवेलेबल करून दिलेली आहे तर त्या ठिकाणी येणाऱ्या दर्शनार्थींनी आपले वाहन पार्क करावे। शक्यतोवर अण्णाभाऊ साठे चौक ते काचीपुरा ह्या दरम्यान कोणीही वाहनं आणू नये कारण की तिथनं मॅक्झिमम दर्शनार्थी हे दीक्षाभूमीकडे जातात आणि तिथे वाहनं आणल्यास जे मंडळी किंवा लहान मुलं वयस्कर नागरिक जे दर्शनाकरता आलेले आहेत त्यांच्या गर्दीमध्ये वाहनांनी त्यांना धक्का लागून काही अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही करिता येणाऱ्या दर्शनार्थींनी तेवढं आम्हाला सहकार्य करावं। त्याशिवाय जेव्हा केव्हा पोलीस प्रशासन आपल्याला आवाहन करतं की गर्दी करू नका तर त्यास आपण आम्हाला सहकार्य करावं ही विनंती आणि सर्व नागपूरकरांना माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131व्या जयंतीनिमित्तच्या शुभेच्छा, धन्यवाद। बता दें कि बुधवार व गुरुवार को पुलिस की साप्ताहिक अवकाश बंद कर दी गई है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने नागरिकों से शांतिपूर्वक ढंग से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील नागरिकों से की है। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज। घर में खिड़की से घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में कलमना पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे कुल 3,37,000 रुपए का मुद्देमाल भी जब्त किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी
ये परिवार वालों के साथ अपने घर में सो रहे थे। अचानक रात के करीब 3 बजे उनकी नींद खुली तो उन्होंने घर का सामान अस्त व्यस्त दिखा, जिसके चलते फिरियादी ने तत्काल घर में लगे CCTV फुटेज को खंगाला तो ये स्पष्ट हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति ने खिड़की से घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके पश्चात फिरियादी ने तत्काल इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी नरेश महिलागे और आरोपी मुकेश जांबुलकर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। 4 तारखेला कमला पुलिस स्टेशन येथे फिरियादी लुणावत यांनी तक्रार दिली की त्यांच्या घरी एकीसम एक्झॉस्ट फॅनच्या होलमधनं आत आला आणि त्यांनी त्यांच्या पॅन्टच्या खिशातून 32,000 रुपये चोरून नेले अशी तक्रार दिल्यावर आम्ही घरपोचची गुन्हा दाखल केला। सदर घटनास्थळावरून जे आम्हाला CCTV फुटेज मिळाले त्यात जो इसम चोरी करताना दिसतोय तो एक रेकॉर्डवरील आरोपी होता, तसंच त्याची समाने नंदनवन पोलीस स्टेशनच्या हद्दीसुद्धा मोठी घरपोळी केलेली होती, जवळपास 14 लाखाची घरपोळी दाखल येते आणि त्या जिस्माने एक कार पण चोरलेली होती। आमची टीम लगेच त्याच्या पाठीमागे लागली, त्याला पकडलं। नरेश मैलांग म्हणून हा रेकॉर्डचा आरोपी, त्याच्यावर नागपूर शहरात 35 घरपोळीचे गुन्हे दाखल आहेत, असा हा हार्डकोर क्रिमिनलला ताब्यात घेतलं आणि त्याच्याकडनं नंदनवन पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून जी वॅगनार गाडी चोरी गेली होती ती पण मिळाली, तसंच आमच्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत त्यांनी जे रोकड कॅश चोरून गेले त्यातले 5,000 रुपये रिकवर झाले, तसेच नंदनवन पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून जे सोन्याचे दागिने त्याने चोरले होते आणि आपल्या एका मित्राच्या ताब्यात दिले होते ते पण जवळपास 6-7 तोळे सोन्याचा दागिने पण रिकवर झालेले। नरेश मलंगे हा एक कुख्यात घरपोळी करणारा चोर असून तो सहसा रिकवरी देत नाही, परंतु आम्ही 8 दिवस त्याचा PCR घेतला, 8 दिवसात त्याला व्यवस्थित इंटरप्रेट केलं आणि रिकवरी केलेली आहे। त्याचा आता कालच MCR झाला आणि त्याला आता नंदनवन पोलीस ताब्यात देणार आहे। अशा रीतीने आमचे DBचे PSI इंगोले आणि त्यांची पूर्ण टीम यांनी ही चांगली कामगिरी पार पाडली। सदर कामगिरीसाठी आम्हाला आमचे पोलीस आयुक्त माननीय मितेश कुमार सर, तसेच आमच्या जॉईंट CP मॅडम माननीय श्रीमती दोर्जे मॅडम, आमचे रिजन सर माननीय नवीनचंद्र रेड्डी सर, आमचे DCP सर माननीय मनीष कलवाण्या सर, तसेच आमचे SP मॅडम माननीय श्रीमती नयन अलवार मॅडम, या सर्वांचं मार्गदर्शन लाभलं। त्या वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन करतात आणि असे गुन्हे कळमना पोलीस स्टेशन उघड करत असतात। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से कुल 337,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया। वही गिरफ्तार आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज है। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, PKB न्यूज। नागपुर में इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर संविधान चौक में रात 12 बजे से ही लोगों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया था, जबकि नागपुर पुलिस द्वारा बड़े पैमाने में पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया था। 2 साल कोरोना महामारी के चलते उत्सवों पर निर्बंध लगाए गए थे, पर इस साल निर्बंध पूरी तरह से हटने की वजह से लोगों की बड़े पैमाने पर भीड़ देखने को मिली। इसी भीड़ के चलते पुलिस द्वारा 6,000 पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का बंदोबस्त किया गया था। दरमियान CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरे द्वारा क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा था। कोरोना की वजह से नागरिक 2 साल उत्सव से वंचित थे, इसी वजह से इस साल बड़ी संख्या में कार्यक्रम, शोभा यात्रा एवं रैली इत्यादि बड़े उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। कल से ही बहुत सारे यात्रा, शोभा यात्रा, बहुत सारे प्रोसेशंस, रैलीज संविधान चौक पे आए थे। आज भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत जगह गर्दी हो रही है। बेसिकली 2 साल कोरोना होने की वजह से उसके बाद ये पहला उत्सव है जिसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, तो गर्दी ज़्यादा दिख रही है, लोगों का उत्साह ज़्यादा है। पुलिस उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर बंदोबस्त लगाए हैं। अंदाजन 6,000 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, SRP कंपनीज, होमगार्ड्स, वॉलेंटियर्स इत्यादि ऐसे बंदोबस्त लगाया गया है। मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल, CCTV कैमराज, ड्रोन कैमराज, इससे भी क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। सभी कुछ अच्छे से शुरू है और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार का समन्वय पुलिस विभाग और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें है, हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरा सभी पूरी पूरी ये बंदोबस्त शांति से पार पड़ेगी। नहीं, किसी प्रकार की कोई इनपुट नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे बंदोबस्त लगाया गया ये सही बात है, लेकिन उसका कारण यही है कि जैसा मैंने बताया, फर्स्ट मेजर फेस्टिवल है जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस हटने के बाद आया है। एक पहले रामनवमी हुआ, उसमें भी
पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पे नज़र आए, और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती इसमें भी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है। इसलिए जो लोगों का उत्साह है, लोगों की जो गर्दी है बाहर, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पे बंदोबस्त लगाए गए। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। संसद के अलावा देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बाबा साहेब की पहचान एक संविधान निर्माता के तौर पर होती है। इसके अलावा वो भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, इतिहासकार और अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने समाज के निचले तबके के उत्थान के लिए ढेरों काम किए हैं। इसी श्रृंखला में शहर में भी संविधान चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को अभिवादन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। कई नेतागण भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को अभिवादन करने पहुंचे। वहीं भाजपा नेता और पूर्व पार्षद धर्मपाल मेश्राम ने भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के आगे अपना शीश झुकाया। इस अवसर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांत अति मूल्यवान है और इन्हीं सिद्धांतों पर चलने का काम बीते 7 सालों में केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुत्व या चतुःसूत्रीवर आधारित संविधान ज्या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला दिलं आणि ज्या संविधानाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक लोकशाही रुजवली, त्या परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांना भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं अभिवादन करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। भारतीय जनता पक्षाचं सरकार मागच्या 7 वर्षात केंद्रामध्ये आल्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदींनी इंदू मिलची जागा या देशाला अर्पित केली। लंडनचा बंगला देवेंद्रजी फडणवीसांनी राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित केला। दिल्लीची महापरिनिर्वाण भूमी असेल अशा अनेकविध, किंवा मग नागपूरचं दीक्षाभूमीचं केंद्र असेल जे आदरणीय गडकरी साहेबांच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर नेलं गेलं, अशी अनेक कामं भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही केलेली आहेत। आज परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरजींच्या जन्मदिनी संपूर्ण भारतवासियांना आम्ही आपल्या वतीनं शुभकामना देतो आणि अशाच पद्धतीनं या देशातली लोकशाही सुदृढ होत राहील आणि या जगातल्या, देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला
दलित शोषित पीडितांना शेवटच्या माणसापर्यंत न्याय पोहोचवत राहील अशा शुभकामना देत आज सगळ्यांना शुभकामना, खूप धन्यवाद। राज्यभर में हो रही लोड शेडिंग पर बात करते हुए ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि इस मामले में विरोधकों को आक्रामक होने का कोई कारण नहीं है। कोरोना के बाद बिजली की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है, वहीं बढ़ती गर्मी के कारण भी बिजली की डिमांड बढ़ी है, जिसके कारण हमें इस किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आगे बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार को कोयले का प्रबंधन नहीं जमा है। विरोधकांनी आक्रमक होण्याचं कारण नाही, कारण कोरोना आता संपलं आणि विजेची मागणी वाढली। विजेची मागणी वाढायला आणखी कारण आहे की या आजच्या वेळेला उष्णतासुद्धा तापमानसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे, त्यामुळे सप्लाय आणि डिमांडचा त्या ठिकाणी फरक आहे। तिसरी बाब अशी की कोळशाचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात देशामध्ये आहे आणि हा केवळ आपल्या राज्यावरच परिणाम आहे अशातला भाग नाही, की संपूर्ण देशावर परिणाम आहे। आणि संपूर्ण देशावर परिणाम असताना जेवढे वीज प्रकल्प आहेत ते कमी क्षमतेने या ठिकाणी चालत आहे, परंतु वीज देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। आम्ही बाहेरूनही वीज आणत आहोत आणि कमीत कमी लोड शेडिंग कशी होऊ शकेल या दिशेने आम्ही काम करतो। मॅनेजमेंट जमलं नाही असंही म्हणणं आहे त्यांचं। व्यवस्थापन केंद्र सरकारला जमलं नाही, कारण कोळसा काही राज्य सरकार देत नाही, कोळसा केंद्र सरकार देत असते, त्यामुळे त्यांनीच विचार करावा की त्यांचं मॅनेजमेंट काय आहे। शहर के जाने माने और प्रतिष्ठित पूर्व पार्षद बंडू तलवेकर का 50वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दरमियान आमदार आशीष जायसवाल प्रमुखता से उपस्थित थे, वहीं विद्यार्थियों ने भी पूर्व पार्षद को पुष्पगुच्छ देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हर व्यक्ति के जीवन में उसका जन्मदिन बेहद खास दिन होता है, वही रिश्तेदार और दोस्त उसे और खास बना देते हैं। ऐसा ही कुछ बेहद ही खास तरीके से शहर के जाने माने और प्रतिष्ठित पूर्व पार्षद बंडू तलवेकर का 50वां जन्मदिन भी मनाया गया। इस दरमियान आमदार आशीष जायसवाल प्रमुखता से उपस्थित थे, वहीं स्कूली छात्रों ने इसे और खास बनाते हुए पूर्व पार्षद को पुष्प देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दरमियान बात करते हुए आमदार आशीष जायसवाल ने बंडू तलवेकर की प्रशंसा की, वहीं पूर्व पार्षद बंडू तलवेकर ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। एक उत्तम कार्यकर्ता, एक उत्तम नगरसेवक, एक उत्तम जनतेचा प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ता, गोरगरीब माणसासाठी जीवन रात्र धावपळ करणारा आणि प्रत्येक माणसाच्या न्याय देण्यासाठी स्वतःचं जीवन झोकून देणारा, एक अभिमान वाटेल असा कार्यकर्ता बंडूभाऊ तलवेकर आहे। आणि मला विश्वास आहे की बंडूभाऊ तलवेकर एक अत्यंत लोकप्रिय नेतृत्व आहे, त्यांच्या वाढदिवसामध्ये त्यांना शुभेच्छा देतो आणि ते नागपूरमध्ये ऐतिहासिक मताने निवडून येतील अशा पद्धतीची शुभेच्छा देखील माझी त्यांना आहे। खरं म्हणजे त्यांच्यासाठी काय बोलावं हे मला शब्द सुचत नाही आहे आणि अभिमान आहे या एरियाच्या लोकांचं भाग्य आहे की असा एक उत्तम कार्यकर्ता त्यांना मिळाला आहे। सरळ सर्वांसाठी लोकशाहीमध्ये सर्वांना मिळत नाही आणि असा कार्यकर्ता या ठिकाणी लोकांना मिळालेला आहे, त्यांना मी त्यांच्या वाढदिवसामध्ये खूप मनापासून शुभेच्छा देतो। मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरे श्रद्धास्थान हमारे बड़े भाई साहब, सम्माननीय आमदार, लोकप्रिय आमदार श्री आशीष जायसवाल साहब, इनके सामने मैं संकल्प करता हूँ नागपुर शहर में आने वाले महानगर पालिका में महाराष्ट्र में अगर आघाड़ी हो भी जाए तो मेरे प्रभाग नंबर 3 जहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम एरिया है, मुझे प्रभाग नंबर 3 में साहब आघाड़ी नहीं चाहिए। मैं प्योर भगवे की जीत, प्योर धनुष्य बाण और बाबा साहब का स्वप्न साकार करना चाहता हूँ। यही मेरी आज हार्दिक मेरी मनपूर्वक शुभेच्छा है और सभी यहाँ के मेरे परिसर के प्रभाग नंबर 3 नागपुर शहर के सभी निवासियों को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 50वां जन्मदिवसानिमित्त रामटेक क्षेत्रातले लोकप्रिय आमदार आशीष जायसवाल साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये त्यांच्या नेतृत्वात आज बंडूभाऊच्या जन्मदिवसाचा केक कापण्यात आलं। आमदार साहेबांनी त्यांना भरभूच आशीर्वाद दिलं। आमदार साहेबाच्या आशीर्वादाने आणि इथल्या जनतेच्या आशीर्वादाने
बंडूभाऊ तडवेकर निश्चित ही या महानगरपालिकेमध्ये शिवसेनेच्या उत्तर नागपुरातून पहिला खाता उघडण्याचा काम होईल तर ते बंडूभाऊ तडवेकर यांच्या माध्यमातून होईल आणि तेही 100-200 मतांना नाही तर हजारोच्या मताच्या लीड घेऊन बंडूभाऊ तडवेकर जिंकून येतील आणि बंडूभाऊने निश्चय केलेला आहे की ह्या प्रभागातून चाहे 2-4 प्रभाग हो चाहे 3-4 हो आप संपूर्ण प्रभाग ते पॅनल निवडून आणण्याचं काम करतील. आम्ही सर्व शिवसैनिक त्यांच्या पाठीशी राहून बंडूभाऊ तडवेकरला जिंकून आणण्याचं आम्ही सर्व काम करू, रात्रदिवस काम करू, एवढे शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शरद पवार के घर पर जो एसटी कर्मचारियों द्वारा हमला हुआ था उस पर बात करते हुए पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में नागपुर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है जिसमें नागपुर पुलिस ने उन्हें सहकार्य किया है. इसके बारे में ये तपास मुंबई पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है. लेकिन ये फैक्ट है कि जो वहाँ आंदोलन हो रहा था उसमें राज्य के अलग अलग जगह के लोग शायद आंदोलन में सहभागी हुए होंगे. एक किसी व्यक्ति को मुंबई पुलिस यहाँ से ले गई है, बट क्या उसकी डिटेल्स है क्या है वो मुझे उसकी जानकारी नहीं. मैंने बताया मुंबई पुलिस की कुछ टीम आई थी, किसी को उन्होंने उनको चाहिए थे, वो उनको नागपुर पुलिस के हेल्प से उनको वो दिया गया है ताबे में. अब वो उस पर क्या आगे डिटेल्स है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं. नागपुर के जवाहर पेट्रोल पंप पर कुछ अज्ञात लोगों ने आकर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी युवक पर चाकू से हमला किया है. यह घटना रात के समय 9 से 9:30 के बीच में हुई. इस मामले में कलमना पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है और चारों आरोपियों पर कार्रवाई भी की जा रही है और इस मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है. नागपुर के जवाहर पेट्रोल पंप के एक युवक कर्मचारी पर 4 अज्ञात लोगों ने हमला कर युवक पर चाकू से वार करने की घटना रामनवमी के दिन हुई थी. साहिल नामक युवक रात के समय पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट कर रहा था. दरमियान 9 से 9:30 के बीच 4 लोग वहां आए और युवक को गाली गलौज करने लगे. आगे बात बढ़ गई और एक व्यक्ति ने साहिल पर चाकू से हमला कर दिया. इस घटना की शिकायत कलमना पुलिस थाने में की जा चुकी है, जबकि आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है. इनमें से मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है. 10 तारीख की घटना है. कलमना कामठी रोड पर एक पेट्रोल पंप पर कुछ 4 लोग आए थे, 2 टू व्हीलर्स पे. वहाँ पर उनका जो पेट्रोल पंप का कर्मचारी था उससे किसी शुल्लक कारण पे उनका वाद हुआ और वाद होने के बाद इन्होंने उसके ऊपर दोनों की हाथापाई हुई और जो 4 लड़के थे आरोपी उन्होंने चाकू से उसके ऊपर हमला किया. लेकिन बहुत माइनर इंजरी है, इंजरी कोई सीरियस नहीं है. गुना इसके ऊपर दाखिल हो चुका है कलमना पुलिस स्टेशन में, उसका तपास अभी जारी है. चारों आरोपी जो है वो निष्पन्न हो गए हैं और उनको पुलिस स्टेशन में लाके उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जा चुकी है. इसमें से 3 आरोपी माइनर हैं और 1 मेजर है. मेजर आरोपी को अटक किया जा चुका है और आगे का तपास चालू है. ये चाकू इन्होंने कहाँ से प्रोक्योर किया उसके ऊपर अभी हमारा तपास चालू है और जैसे ही पता चलेगा उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे. भैया मैं यहाँ पे बैठा ही था, उन्होंने मेरे को गलती से गाली बखे, 2 बार गाली बखे और फिर स्टील की जो बकेट रहती है कचरे की अपनी पेट्रोल पंप पे वो उठा लिए मारने के लिए. तो अब सर मैंने मारने के लिए उठा लिए तो मैं भी अपने बचाव के लिए वहाँ पे डंडा था मेरे पीटी में वो मैंने भी निकाल लिया तो उसी हाथापाई में मतलब वो हो गया. हाँ भैया बटन वाला चाकू था, उन्होंने कहा था कि 3 जन ने डंडा पकड़ लिया और 4थी जन ने गले पे घुमा दिया. हाँ पहले पीठ पे मारा, पीठ पे और फिर 2 बार चाकू कैसा कर रहे. पुलिस वाले जब मेडिकल लेके गए तब मेडिकल में भी यही बात हो रही थी कि 3 टाके लगेंगे. तो अब दुकानदारी अभी अपन टाके लगाए नहीं, कहाँ जाना हो पाता था, इसलिए कुछ नहीं बताया. बोले बोले कार्रवाई होंगी बस इतना बोल के छोड़ दिए. नहीं 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 बस FIR कॉपी दिए मेरे को, रहन दिए, अभी तक का गया ही नहीं है. भैया मेरे को क्या बस जेल हो जाना चाहिए उनको, वही बहुत है. तो आज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.